नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आज के इस बुलेटिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। आजमगढ़ जिले में आगामी होने वाली परीक्षा के मद्देनजर नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिया है। उसी को लेकर आज जनपद में एक परीक्षा कंट्रोल रूम बनाया गया, जिससे सभी विद्यालयों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और कहीं भी नकल होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये जिलाधिकारी का कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि यह परीक्षा कराने के लिए हमने SP से बात कर ज़्यादा फोर्स की तैनाती की मांग की गई है, जिससे नकल पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। हमने इस पूरे मामले में जिलाधिकारी NP सिंह से बात की, आपको सुनवाते हैं। कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया है, क्या मकसद है? हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, जो माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं होनी है बोर्ड की, वो पूर्णतः स्वच्छतापूर्ण हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाए, ताकि जितने भी 280 केंद्र हैं वहाँ पर वेबकास्ट के माध्यम से सेंट्रली जिस डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पर कंट्रोल रूम में लगभग 20 कंप्यूटर लगे हैं, जिसमें प्रत्येक पर लगभग 13-14 विद्यालयों को कनेक्ट किया गया है वेबकास्टिंग के माध्यम से, जिससे सीधे यहाँ से हम वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। इसी कंट्रोल रूम की शुरुआत आज की गई थी। सर, शिकायत मिलने पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सर, नेचुरली अगर शिकायतें मिलती हैं तो केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, और निर्णय ये लिया गया है कि हमारी व्यवस्थाएँ ऐसी पुख्ता होनी चाहिए कि छात्र छात्राओं को कोई संभावना ही न हो नकल करने की, एक पवित्र वातावरण पैदा हो, और अगर बाकी शक्ति के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है तो बहुत ईजिली हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो रही होती है तो कार्रवाई के बारे में आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाती है। सर, विज्ञान प्रदर्शनी लगाएगी? विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों की जो क्रिएटिव प्रतिभाएँ हैं वो निखरती हैं, साइंटिफिक टेम्पर का विकास होता है, बच्चों ने बहुत अच्छे से क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ एग्जीबिशन लगाया है, बच्चों को बधाई देता हूँ मैं, और जो प्रिंसिपल और टीचर्स भी लेकर गए हैं बच्चों को क्रिएटिव इंगेजमेंट से जोड़ रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ।